हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिसलिनियस प्रॉब्लम सेट 2 देखने वाले हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंजेला डिपॉजिटेड ₹15,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 9 PCPA। शी गॉट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹5,400। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड शी डिपॉजिटेड द अमाउंट। तो देखो, एंजेला ने रुपीज़ डिपॉजिट किया है 15,000, उसका रेट 9 PCPA दिया गया है और सिंपल इंटरेस्ट अमाउंटिंग 5,400 भी उसको मिली है। उसने कितनी ईयर्स के लिए मनी डिपॉजिट किए हैं यह हमें निकालना है। तो देखो, यहाँ पे हम पहले गिवन वैल्यू जो है सभी वो राइट करेंगे। क्या क्या वैल्यू दी गई, यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। कौन सी वैल्यू दी गई है, प्रिंसिपल अमाउंट। जो अमाउंट डिपॉजिट रहती है उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, या हम विड्रॉ करते हैं वो भी प्रिंसिपल अमाउंट ही रहती है। सो कितनी डिपॉजिट की है उसने, 15,000। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे आर वैल्यू, आर इज इक्वल टू रेट कितना है, 9 PCPA। तो रेट आर इक्वल टू 9 PCPA। ओके, अभी देखो उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है उसकी, 5,400। तो वो हो गया इंटरेस्ट, आई इज इक्वल टू ₹5,400। ओके, और उसके यहाँ पे हमें निकालना है टी। टी मीन्स टाइम, कितने ईयर के लिए उसने पैसे डिपॉजिट किए वो रहता है टी। तो वो निकालना है हमें। ओके, अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय 100। आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो हम टी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो जो वैल्यूज हमारे पास है वो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, टी वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर आई वैल्यू है हमारे पास 5,400 इज इक्वल टू पी वैल्यू कितनी है, 15,000 मल्टीप्लाई बाय आर वैल्यू 9, और टी वैल्यू हमें निकालनी है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। इसको हमें 100 से डिवाइड करना है। न्यूमरेटर के डिनोमेटर के सेम जीरो कट हो जाते हैं, 2 जीरो ये 2 जीरो के साथ कट हो गए। जो रिमेनिंग है उसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 5,400 इज इक्वल टू 150 मीन्स 150 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय टी, और डिनोमेटर में कोई नंबर नहीं है क्योंकि 2 जीरो कट होने के बाद यहाँ पे 1 रह गया, 1 डिनोमेटर में निगलेक्ट हो जाता है, सो ये निगलेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे देखो टी की वैल्यू निकालनी है, तो 150 एंड 9 ये दोनों वैल्यू हमें उस साइड में शिफ्ट करना होगा। ये दोनों वैल्यू टी के साथ मल्टीप्लाइड है, वहां जाकर दोनों वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, देखो देयरफॉर 5,400 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमें मिलेगी टी वैल्यू। अभी 5,400 को 150 मल्टीप्लाई बाय 9, ये दोनों वैल्यू इसके साथ डिवीजन में है, मीन्स तो ये 54 जो है 9 के मल्टीपल आता है। सो 9 एंड 54 ये दोनों भी नंबर 9 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कर लेते हैं। 9 1 9, 9 6 54। ओके, 54 डिवाइड हो गया, 2 जीरो रह गए, वो 2 जीरो यहाँ पे मैंने राइट कर दिए। तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा, देखो ये 600 और डिवाइडेड बाय 150। अब 110 कट हो गए, तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 15 है, 60 ये नंबर 15 से डिवाइड हो जाता है। 15 1 15, 15 4 60। ओके, क्या आंसर आ गया, 4 ये टी आ गया, मीन्स उसने जो अमाउंट 15,000 जो अमाउंट डिपॉजिट की है वो 4 ईयर के लिए की है। टी इज इक्वल टू 4 ईयर्स। एंजेला हैड डिपॉजिटेड द अमाउंट फॉर 4 ईयर्स। एग्जाम्पल नंबर 2 है, 10 men takes 4 days to complete the work of tearing a road. How many days will 8 men takes? तो देखो यहाँ पे 10 men रोड टेयरिंग का जो वर्क है वो 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, और हमें यहाँ पे क्या बताना है, क्या निकालना है, 8 men जो रहेंगे ना वो वही वर्क कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लेंगे वो हमें निकालना है। द
नंबर ऑफ मैन एंड द डेज दे टेक टू कंप्लीट अ वर्क आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। वर्क सेम है, मैन बढ़ गए तो वो वर्क कम टाइम में हो जाएगा और मैन कम हो गए तो वो वर्क करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको ही इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, एट मैंस को कितने डेज लगेगी हमें निकालना है, तो उसको हम पहले एक्स कंसिडर करेंगे। लेट एट मैन एक्स डेज टू कंप्लीट द वर्क। ओके, एट मैंस एक्स डेज लेंगे वो वर्क कंप्लीट करने के लिए। यहां पे देखो, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज का हम कॉलम बनाएंगे। नंबर ऑफ मैन 10 तो उनको 4 डेज लगे, नंबर ऑफ मैन अगर 8 हो गए तो एक्स इतने डेज लगेंगे, ये हमने कंसिडर किया है। ओके, हम यहाँ पे राइट करेंगे, एक्स 8 नंबर ऑफ मैन को एक्स इतने डेज लगते हैं वर्क कंप्लीट करने के लिए, और 10 मैन को 4 इतने डेज लगते हैं वर्क कंप्लीट करने के लिए। अभी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स के साथ जो 8 है उसको हमें इस साइड में भेजना होगा, वो ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसके साथ, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो कैसे आ जाएगा, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 8। ओके, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 वैल्यू आ गई, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ पे अभी 10 डिवाइडेड बाय 2 ये वैल्यू है, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 वैल्यू आ गई, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 5। एट मैन विल टेक 5 डेज टू कंप्लीट द वर्क। एग्जाम्पल नंबर 3 है, नसरुद्दीन एंड महेश इन्वेस्टेड रुपीज 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट अ बिजनेस। दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30%, हाउ मच प्रॉफिट डिड ईच ऑफ देम गेट। तो देखो, नसरुद्दीन ने एंड महेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें नसरुद्दीन का 40,000 इन्वेस्टमेंट है और महेश का 60,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट है। उनके बिजनेस में उनको अगर 30% प्रॉफिट हो गया है तो हर एक को कितनी अमाउंट मिलेगी, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो बहुत इजी रहता है, देखो यहाँ पे हम पहले टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है वो निकाल लेते हैं। देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों ने जो इन्वेस्ट किए हैं वो उनकी एडिशन करेंगे हम, रुपीज 60,000 प्लस 40,000, ओके कितने हो गए, इज इक्वल टू रुपीज 1,00,000। 30% प्रॉफिट हो गया है, ओके 30% प्रॉफिट हो गया है, तो इस 1,00,000 पर 30% प्रॉफिट मीन्स हाउ मेनी अमाउंट, वो पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट निकालने के लिए देखो, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1,00,000।
इज इक्वल टू प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट हो गया है, तो 30% को हम 30/100 ऐसी फॉर्म में लिखेंगे, और वो इतने रुपीज़ पे हुआ है इसलिए मल्टीप्लिकेशन में हमने ये रुपीज़ ले लिए। अभी न्यूमरेटर के डिनोमेटर के सेम 0 कट हो जाते हैं, देखो 120, ये 20 कट हो गए, 3 1 ज़ा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्रॉफिट आएगा, तो 3 1 ज़ा 3 और 1 2 3 4 0, ओके, इतने रुपी अमाउंट, इतनी अमाउंट हो गई, कितनी अमाउंट आ गई, 30,000 रुपीज़ उन दोनों को बिजनेस में प्रॉफिट हो गया है। अभी ये प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे उनकी इन्वेस्टमेंट है वैसा ही उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ही रहेगा। तो वो हम कैसे निकाल लेते हैं, देखो रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज 40,000 एज टू 60,000, ओके, इज इक्वल टू 2:3। उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो कैसे आ गया 2:3, ये कैसे आ गया, देखो 1 2 3 दोनों के 4 4 0 है, वो कट हो गए। अभी 4 और 6 दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2:3 ये नंबर आ गया, ओके। तो उन दोनों को जो प्रॉफिट हो गया है वो 2:3 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देयर फोर द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट ऑल्सो विल बी 2:3, उनका प्रॉफिट भी 2:3 में ही उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेट नसरुद्दीन प्रॉफिट, नसरुद्दीन प्रॉफिट बी 2x, ओके, नसरुद्दीन का रेशो 2 है इसलिए 2x उसका प्रॉफिट है, ये हम कंसिडर कर लिया। देन महेश प्रॉफिट इज ₹3x, ओके। तो देखो 2x + 3x इज इक्वल टू 30,000, 2x एंड 3x ये उनकी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। 2x + 3x कितने x हो गए, 5x इज इक्वल टू 30,000। अभी x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 इस x के साथ मल्टीप्लाई था, हमने इसको इस साइड में शिफ्ट कर लिया, ये यहाँ पे डिवाइड हो गया, ओके। अभी देखो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ार 30, और ये उसके ऊपर 30, तो x वैल्यू क्या आ गई, 6,000, ओके। तो 2x इज इक्वल टू 2 × x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 6,000 इज इक्वल टू 12,000 रुपीज, ओके, एंड 3x इज इक्वल टू 3 × 6,000 इज इक्वल टू 18,000 रुपीज। नसरुद्दीन गॉट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 12,000 एंड महेश गॉट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 18,000। एग्जाम्पल नंबर 4 है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 5.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कल का डायमीटर दिया है हमें, सर्कल की सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखो पहले हम गिवन वैल्यूज राइट करेंगे, गिवन क्या दी गई है, गिवन डायमीटर डी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, ओके। अभी हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले वो लिखेंगे, द सर्कमफेरेंस
ऑफ अ सर्कल, सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? डायमीटर दी है तो हम पाई डी फॉर्मूला यूज करेंगे। डायमीटर एंड पाई वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहती है, तो देखो पाई वैल्यू 22/7, डायमीटर 5.6 दी गई है, वो पुट कर दी। 7 1 7, 7 8 56 आता है, पर इसमें डेसिमल पॉइंट है। इन दोनों की डिवीजन में यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, आंसर में भी एक डिजिट आना चाहिए, तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट देंगे। इसके आगे कोई डिजिट नहीं तो जीरो लगाएंगे, 0.8 ये आंसर आ गया। अभी 22 × 0.8 करेंगे, जो आंसर आएगा वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल रहेगी। तो देखो हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 22 × 0.8, 8 2 16, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1, 8 2 16, 16 + 1 17, तो 17 आ गए। ओके, अभी जीरो से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जीरो जीरो ही आएगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखो 176 में हमें डेसिमल पॉइंट देना है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल पॉइंट राइट साइड में यहाँ पे एक डिजिट है, आंसर में भी एक डिजिट आना चाहिए, तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट देंगे 17.6। ये हमारी आ गई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 17.6 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 5 है एक्सपांड, उसमें फर्स्ट है 2a − 3b ब्रैकेट स्क्वेयर। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये a − b ब्रैकेट स्क्वेयर, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। इसका एक्सपेंशन कैसे आएगा? ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अगर इसका एक्सपेंशन करना है तो ये लिखेंगे हम, फर्स्ट टर्म का इसका एक्सपेंशन कैसे दिया है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वेयर लिया है, −2 × 1st टर्म × 2nd टर्म प्लस 2nd टर्म का स्क्वेयर। तो अब अगर हमें इसका एक्सपेंशन करना है तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, 2a, उसका स्क्वेयर लेना होगा, माइनस साइन 2 × 1st टर्म है 2a, इंटू 2nd टर्म है 3b, प्लस 2nd टर्म का स्क्वेयर, 2nd टर्म है 3b, उसका स्क्वेयर लेना है। तो देखो 2 का स्क्वेयर 2 2 = 4, a का स्क्वेयर a स्क्वेयर आ जाएगा, −2 2 = 4, 4 3 = 12, तो यहाँ पे 12 आ गया, और a एंड b है तो ab लिया हमने। ओके, यहाँ पे जो नंबर है उनके हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे पहले, बाद में जो लेटर से वो लेंगे उसके साथ। उसके बाद 3 का स्क्वायर 3 3 = 9 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 4a² − 12ab प्लस 9b² ये आ गया दिए गए एग्जाम्पल का एक्सपेंशन। तो इसको फाइनल आंसर में कैसे लिखेंगे हम, 2a − 3b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² − 12ab प्लस 9b². क्वेश्चन 5 में सेकंड नंबर एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, 10 + y ब्रैकेट स्क्वायर। इसके लिए भी हम a + b ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला में हमें कैसे दिया है, a² + 2ab + b² इसके एक्सपेंशन में यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × 1st टर्म × 2nd टर्म प्लस 2nd टर्म का स्क्वायर। अभी हमें इसका एक्सपेंशन करना है 10 + y ब्रैकेट स्क्वायर। अभी इसमें हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है, 10, उसका स्क्वायर लेंगे प्लस 2 × 10 × y प्लस 2nd टर्म का स्क्वायर, 2nd टर्म y है उसका स्क्वायर लेना है। ओके, तो देखो अभी 10 का स्क्वायर 10 10 = 100 आता है, प्लस 2 × 10, 2 10 = 20, और ये y है उसके साथ, प्लस y का स्क्वायर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर एक्सपेंशन के बाद, उसको हम फाइनल आंसर में लिखेंगे 10 + y ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 100 + 20y + y² एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, p/3 + q/4 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे प्लस साइन है दो टर्म के बीच में, तो हम a + b ब्रैकेट स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसका एक्सपेंशन कैसे आता है, a² + 2ab + b² तो इसका एक्सपेंशन अगर करना है तो p/3 + q/4 ब्रैकेट स्क्वायर।
इसमें हमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस टू टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिया है। इसमें हमारी फर्स्ट टर्म है पी अपॉन थ्री, पी अपॉन थ्री का स्क्वायर लेंगे प्लस टू इंटू पी अपॉन थ्री इंटू क्यू अपॉन फोर, टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है, क्यू अपॉन फोर है सेकेंड टर्म है, उसका स्क्वायर लेना है। ओके तो देखो पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री जार नाइन प्लस टू मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, टू पी क्यू आ गया और यहाँ पे डिनोमिनेटर में थ्री फोर जार ट्वेल्व है, ट्वेल्व लिया। ओके प्लस क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर और फोर का स्क्वायर फोर फोर जार सिक्सटीन आ गया। अभी देखो ये ट्वेल्व टू से डिवाइड हो जाता है, इसको हम डिवाइड करके जो नंबर मिलेंगे ना वही हमारे में आंसर में हम पुट करेंगे, टू वन जार टू टू सिक्स जार ट्वेल्व। तो पी क्यू डिवाइडेड बाय सिक्स ये सेकेंड टर्म आ गई हमारे आंसर की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइन प्लस पी क्यू डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिक्सटीन, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे आप पी अपॉन थ्री प्लस क्यू अपॉन फोर ब्रैकेट स्क्वायर इसको अच्छे से बॉक्स कर लो। एग्जाम्पल नंबर फोर है, अभी आप मुझे बताओ इसका एक्सपेंशन करने के लिए हमारा हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। एक्सपेंशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके तो देखो इसका एक्सपेंशन करना है तो ये लिखेंगे हम एग्जाम्पल थ्री अपॉन वाई ब्रैकेट स्क्वायर, इसके एक्सपेंशन ने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिया है। इसमें हमारे फर्स्ट टर्म वाई है तो हम पहले वाई का स्क्वायर लेंगे माइनस टू इंटू वाई इंटू थ्री अपॉन वाई प्लस थ्री अपॉन वाई ब्रैकेट स्क्वायर। ओके यही आएगा ना, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का वाई कट हो गया, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री टू थ्री जार सिक्स तो यहाँ पे सिक्स आ गया प्लस थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री जार नाइन आ गया यहाँ पे और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। ओके इसको हम फाइनल स्टेप में लिखेंगे वाई माइनस थ्री अपॉन वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस नाइन अपॉन वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, यूज द फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई, फॉर्मूला यूज करके हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे दिया क्या गया है, देखो दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे प्लस साइन है और हमारा जो एग्जांपल दिया है उसमें भी सेम है, दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट एंड सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सेम है, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन है या प्लस है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते टाइम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेना है। तो इसमें हमारे एग्जाम्पल में फर्स्ट टर्म कौन सी है, देखो हम पहले एग्जाम्पल लिख लेंगे एक्स माइनस फाइव, यहाँ पे हम फॉर्मूला ऐसा लिखेंगे। ओके एक्स प्लस फाइव, अभी हमारी इस एग्जांपल में फर्स्ट टर्म कौन सी है एक्स, उसका स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे माइनस साइन, सेकेंड टर्म है फाइव उसका स्क्वायर लेंगे। अभी देखो एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहता है और फाइव का स्क्वायर फाइव फाइव जर ट्वेंटी फाइव, तो ये आ गया इस दिए गए हमारे एग्जाम्पल का मल्टीप्लीकेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो इसको हम फाइनल स्टेप में कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल टू ए माइनस थर्टीन टू ए प्लस थर्टीन, एक्स के एक्सपेंशन के लिए भी हम वही जो अबव फार्मूला लिखा है वही फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। 2a माइनस थर्टीन टू ए प्लस थर्टीन, फॉर्मूला क्या है हमारा, दो ब्रैकेट में सेम टर्म है सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे प्लस साइन है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा,
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में भी सेम है, दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों ब्रैकेट में सेकेंड टर्म सेम है, सिर्फ यहाँ पे माइनस प्लस साइन है, तो हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 2a² - 13² ओके। अभी 2 का स्क्वायर 2 2 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस 13 का स्क्वायर क्या आता है, 169। तो यही आ गया हमारे दिए गए एग्जांपल का मल्टीप्लीकेशन, 2a - 13, 2a + 13 = 4a² - 169। थर्ड नंबर एग्जांपल है, अभी इसके लिए भी हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा, a - b a + b = a² - b². तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा, 4z - 5y 4z + 5y = फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4z² - 2nd टर्म का स्क्वायर 5y² 4 का स्क्वायर 4 4 16, z² z² 5 5 का स्क्वायर 5 5 = 25 y का स्क्वायर y² ओके। अभी हम फाइनल स्टेप में आंसर लिखेंगे, 4z - 5y 4z + 5y = 16z² - 25y² एग्जाम्पल नंबर 5 है, फॉर्मूला सेम रहेगा, a - b a + b = a² - b² अभी इसका मल्टीप्लिकेशन 2t - 5 2t + 5 = अभी इसमें हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है, 2t ब्रैकेट स्क्वायर लेंगे, माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 5 सेकेंड टर्म में उसका स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर 2 2 = 4, t² t² माइनस 5 का स्क्वायर 5 5 = 25। ये आ गया इस दिए गए एग्जांपल का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हम 2t - 5 2t + 5 = 40² - 25। एग्जाम्पल नंबर 7 है, द डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ अ कार्ट इज 1.05 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल द कार्ट कवर इन 1000 रोटेशन ऑफ द व्हील। व्हील का डायमीटर दिया है, कार्ट की जो व्हील रहती है उसका डायमीटर दिया है, 1000 रोटेशन में कार्ट कितनी किलोमीटर जाएगी हमें निकालना है ओके। तो पहले हम सरकमफेरेंस ऑफ व्हील निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो वैल्यू आएगी ना वो रहेगी 1 रोटेशन में, वो व्हील उतना सरकमफेरेंस इतना डिस्टेंस कवर करेगी, उसके बाद में हम 1000 रोटेशन में 1 रोटेशन में वो व्हील उस सरकमफेरेंस इतना डिस्टेंस कवर करेगी, इसलिए हम पहले सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। देखो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 रोटेशन इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, और उसका फॉर्मूला क्या है, पाई डी, पाई वैल्यू 22/7 और डायमीटर 1.05 दी गई है हमें, 7 1 7, यहाँ पे भी 7 1 7, ये 10 है ना, डेसिमल पॉइंट है, वो बाद में आंसर को दे देंगे, यहाँ पे हम 105 ये नंबर ही कंसिडर कर लेते हैं ओके। तो 7 7 1 7, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी 7 1 7, 10 में से 7 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3 रह गए, 3 5 35 हो गए, 7 5 35। अभी इसमें हमें डेसिमल पॉइंट देना है, कहाँ देना होगा, इन दोनों के डिवीजन में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो आंसर में भी 2 डिजिट आने चाहिए, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा, आगे डिजिट नहीं तो हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 0.15। अभी 0.15 मल्टीप्लाई बाय 22 करना होगा, तो देखो 2 5 10, 10 का 0 यहाँ पे गारी 1, 2 1 2 2 + 1 3, आगे 0 है मल्टीप्लाई किया तो आगे 0 ही आएगा ओके। अभी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 10 का 0 यहाँ पे गारी 1, 2 1 2 2 + 1 3,
अभी इनकी एडिशन करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया 330। अभी इसमें हमें डेसिमल पॉइंट देना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है, 1 2, तो आंसर में भी 2 डिजिट आने चाहिए, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना होगा। तो 3.30 मीन्स 3.3 हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.3 मीटर। ओके, ये मीटर में आ जाएगा क्योंकि हमें ये है वो मीटर में दिया है, इसलिए ये जो आएगा का सरकमफेरेंस वो भी मीटर में ही आएगा। ओके, देयर फोर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1000 रोटेशंस, 1000 रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो कार्ट, वो हमें निकालना है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर में आ जाएगा। ओके, 3.3 को अगर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वो मीटर में डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा वो मिलेगा। अगर हमें किलोमीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा निकालना है तो इसको फिर से 1000 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ पे ये किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखो न्यूमरेटर डिनोमेटर का 1000 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3.3, तो आंसर क्या आ गया 3.3 किलोमीटर। वो कार्ड 1000 रोटेशन में 3.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द कार्ट विल कवर 3.3 किलोमीटर। एग्जाम्पल नंबर 8 है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ द लेंथ 40 मीटर इज 1000 मीटर स्क्वेयर। फर्स्ट फाइंड फर्स्ट द ब्रेथ ऑफ द गार्डन, सेकेंड द पेरीमीटर ऑफ गार्डन, द गार्डन इज टू बी इंक्लोज बाय 3 राउंड ऑफ फेंसिंग लिविंग एन एंट्रांस ऑफ 4 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर। देखो यहाँ पे एरिया दिया गया है गार्डन का 1000 मीटर स्क्वेयर, गार्डन की लेंथ भी दी गई है 40 मीटर। तो हमें पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में ब्रेथ ऑफ द गार्डन निकालनी है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट द एरिया ऑफ अ गार्डन इस फॉर्मूले से ब्रेथ ऑफ गार्डन निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी लेंथ कितनी दी गई है 40 मीटर और ब्रेथ हमें निकालनी है और एरिया ऑफ द गार्डन दिया है 1000 मीटर स्क्वेयर। ओके, तो देखो बी की वैल्यू निकालनी है, 40 को हम उस साइड में भेज देते हैं, 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू बी। एरिया ऑफ द गार्डन ये मीटर स्क्वेयर में दिया है, मीन्स मीटर इंटू मीटर रहता है और ये मीटर में दिया है। देखो न्यूमरेटर का मीटर डिनोमेटर का मीटर कट हो गया, यहाँ पे सिर्फ मीटर वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगी ब्रेथ तो वो उसका यूनिट क्या रहेगा मीटर रहेगा। डिनोमेटर का न्यूमरेटर का 0 कट हो गया, 4 1 4 4 2 8, 10 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गया 2 रह गया, 2 n 0 20 हो गए, 4 5 20, तो यहाँ पे ब्रेथ कितनी आ गई 25, देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 25 मीटर। सेकेंड देखो पेरीमीटर ऑफ द गार्डन हमें निकालना है, पेरीमीटर में से माइनस करना हो, पहले हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। देखो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। ओके, तो 2 इंटू लेंथ कितनी दी गई है 40 मीटर प्लस 2 इंटू ब्रेथ आई हमारी 25। ओके, तो देखो इनकी एडिशन 130 आ गई और उसका यूनिट है मीटर। ओके, अभी देखो गार्डन में 4 मीटर का एंट्रेंस है, तो ये पूरे गार्डन की आ गई ना, ये पूरे गार्डन की पेरीमीटर आ गई, उसमें से 4 मीटर एंट्रेंस जो है वो फेंसिंग नहीं है, तो वो हमें माइनस करना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो द पेरीमीटर
फॉर फेंसिंग द गार्डन इज इक्वल टू 130 माइनस 4 इज इक्वल टू 126 मीटर। ये तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो द एंट्रांस 4 मीटर वाइड, द एंट्रांस इज 4 मीटर वाइड। 3 राउंड ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 3 × 126। वो गार्डन को 3 राउंड है फेंसिंग के, इसलिए 3 × 126 किया। जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, वो पूरे 3 राउंड के लिए कितनी वायर लगी वो मीटर में आ जाएगी। ओके, 3 × 6 = 18, 18 का 8 यहाँ पे कैरी 1, 3 × 2 = 6, 6 + 1 = 7, 3 × 1 = 3, 378 मीटर। इतनी वायर उस गार्डन को 3 राउंड फेंसिंग के लिए लगेगी। ओके, अभी उसकी कॉस्ट क्या आएगी, 1 मीटर की कॉस्ट दी है तो पूरी 378 मीटर की कॉस्ट कितनी आएगी वो भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ फेंसिंग। रेट कितना आई है, रेट हमें दिया गया है 250 पर मीटर, और लेंथ कितनी आई है 378 मीटर। इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 94,500 मीटर। तो देखो, आंसर में हमें ब्रीथ निकालने को बोला था, पेरीमीटर, और कॉस्ट कितनी आएगी वो निकालने को बोला था। तो फर्स्ट देखो हम द ब्रीथ ऑफ, ब्रीथ इज 25 मीटर, सेकेंड द पेरीमीटर इज 130 मीटर, और थर्ड वन द कॉस्ट इज 94,500 रुपीज़, 94,500। एग्जाम्पल नंबर 9 है, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ए सी एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो, पहले हमें हाइपोटेनियस ए सी फाइंड आउट करनी है, अगर वो वैल्यू है तभी हम उस पूरे ट्रायंगल की पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ओके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की अगर हाइपोटेनियस वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफोर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर लेना है, हमारी एसी साइड हाइपोटेनियस है, लेंथ ऑफ एसी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर। ओके, तो देखो ए सी स्क्वायर निकालनी है, दोनों वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू है 20, उसका स्क्वायर लेना है, बी सी की वैल्यू है 21, उसका भी स्क्वायर लेना है। 20 का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना आता है 400। ओके, और 21 का स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई बाय 21 किया तो 441 ही हमारा आंसर आता है। तो लेंथ ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1,481 ये वैल्यू मिलती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ ए सी स्क्वायर।
यहाँ पे स्क्वायर है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर कट होना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड को स्क्वायर रूट में डाल देते हैं, तो ये स्क्वायर कट हो जाएगा। ओके, तो देखो लेंथ ऑफ एसी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 841। ओके, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट हो गया। यहाँ पे सिर्फ लेंथ ऑफ एसी, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 841 ये वैल्यू है। अभी देखो 841 ये कौन सी नंबर का स्क्वायर आता है ये हमें मालूम होना चाहिए। 841 जिस नंबर का स्क्वायर आता है वही वैल्यू रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ 841 की। तो स्क्वायर रूट ऑफ 841 ये आता है 29 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 29 लेंगे। 29 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC। अभी हमें ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ मिल गई है, अभी हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं ट्रायंगल की। ओके, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC प्लस लेंथ ऑफ AC। ओके, AB की लेंथ 20 है, 20 प्लस 21 प्लस 29 कितनी आ गई, एडिशन 70। द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस AC इज 29। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 70 यूनिट्स। यहाँ पे इसका यूनिट नहीं दिया है, आप यहाँ पे यूनिट्स लगा सकते हो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10 है। इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। क्यूब का एज दी है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6 इंटू लेंथ का स्क्वायर लेना है। 6 इंटू लेंथ कितनी दी गई है 8, उसका स्क्वायर लिया। तो देखो 6 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 8 जार 64, 6 4 जार 24, 24 का 4 यहाँ पे कैरी 2 आ गया, 6 6 जार 36, 36 प्लस 2 38, तो यहाँ पे 38 आ गया और उसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये सेंटीमीटर में वैल्यू थी, उसका स्क्वायर लिया है इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यूनिट इसका। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 11 है फैक्टराइज, इसके हमें फैक्टर निकालने हैं। देखो इन दोनों टर्म में यहाँ पे जो पहले नंबर दिए हैं उनके हम फैक्टर निकालेंगे, बाद में जो y^4 3³ y^2² y^2 एंड y^z^4 इनके फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो देखो ये 365 के प्लेस 5 है, ये नंबर 5 से कट हो जाएगा, उसको हम कर लेते हैं। 5 7 जार 35, 36 में से 35 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड 5 15 हो गए, 5 3 जार 15। ओके, यहाँ पे 73 आ गया, 73 ऐसा नंबर है इसको सिर्फ 73 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे हम 73 से डिवाइड करेंगे, 73 1 जार 73, तो यहाँ पे क्या फैक्टर आ गए, 5 मल्टीप्लाई बाय 73। तो 365 के फैक्टर आ गए 5 मल्टीप्लाई बाय 73। अभी 146 के फैक्टर, ये यूनिट प्लस 6 से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जार 14, 2 3 जार 6,
यहाँ पे भी 73 आ गया। 73 सिर्फ 73 से डिवाइड हो जाता है, 73 वन ज़ार 73। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 73 ये फैक्टर आ गए, 146 के फैक्टर क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 73। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई रेस टू 4 जेड क्यूब है, यहाँ पे वाई रेस टू 2 जेड 4। ओके, मीन्स यहाँ पे इन दोनों के वाई में वाई रेस टू 2 कॉमन है, यहाँ पे जेड क्यूब है, यहाँ पे जेड रेस टू 4 है, तो जेड क्यूब भी दोनों में कॉमन है। तो इनके फैक्टर राइट करते टाइम हमें कॉमन निकालना होता है, इसलिए इनके फैक्टर कैसे आएंगे देखो, वाई रेस टू 4 जेड क्यूब के फैक्टर क्या आएंगे, वाई रेस टू 4 जेड क्यूब के मैं फैक्टर निकाल लेती हूँ, वाई रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय वाई रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय जेड क्यूब ये फैक्टर आएंगे। ओके, इसको सिर्फ ऐसे फॉर्म में, ये 4 को 2 2 फॉर्म में ऐड कर लिया, क्योंकि यहाँ पे वायरस टू 2 है ना, वायरस टू 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं इसीलिए। अभी वायरस टू 2 जेड क्यूब के फैक्टर में क्या कॉमन है, अभी इनके फैक्टर कैसे राइट करेंगे, वायरस टू 2 मल्टीप्लाई बाय जेड क्यूब, ये वाई 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 स्क्वेयर कॉमन है, जेड क्यूब कॉमन है। अभी इनके फैक्टर हम इनके फॉर्म में राइट करेंगे, देखो 365 के फैक्टर यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 73 ऐसे राइट करेंगे, इसके बाद इसके फैक्टर आएंगे देखो, मल्टीप्लाई बाय वाई रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय वाई रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय जेड रेस टू क्यूब माइनस 146 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 73, और वाई रेस टू 2 एंड जेड रेस टू 4 के फैक्टर वाई रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय जेड क्यूब, यहाँ पे जेड रेस टू 4 है, जेड रेस टू क्यूब मल्टीप्लाई बाय जेड ये फैक्टर आएंगे। ओके, अभी देखो इनमें क्या कॉमन है, हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे, 73 73 कॉमन है, 73 को लिखेंगे, वाई स्क्वेयर कॉमन है, वाई स्क्वेयर को राइट कर लिया, उसके बाद जेड क्यूब कॉमन है, जेड क्यूब राइट कर लिया। अभी जो कॉमन नहीं है उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, देखो यहाँ पे फाई है, फाई वाई स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया, उसको अंडरलाइन कर लेती हूँ, जेड क्यूब कॉमन निकल रही उसको भी अंडरलाइन कर लेती हूँ मल्टीप्लाई बाय जेड है यहाँ पे, ओके जेड रह गया था। अभी देखो मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वेयर माइनस, यहाँ पे 2 आया, 2 के बाद जेड है, ओके, क्योंकि अदर टर्म जो है उनको कॉमन निकाल लिया है, फाइव मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वेयर को हम फाइव वाई स्क्वेयर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 73 वाई स्क्वेयर जेड क्यूब इन ब्रैकेट 5y² माइनस 2z। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 8वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।